जिन्होंने ताजमहल बनाया आतताइयों ने उनके हाथ काट दिए, पर जो लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं ऐसे कारीगरों का ये सरकार हाथ काटेगी नहीं, उनके हाथों में सम्मान की राशि भेंट करेगी। जब राम जी का काज है तो उस काज के लिए मना कौन करेगा। सब लोगों की इच्छा थी, प्रभु इच्छा थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान श्री राम जी ने हमारे शक्ति भैया को दिया है तो इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित किया है। बताओ आज जो राम जन्मभूमि को लेकर जो सहयोग राशि पूर्व में आपने भागलपुरा में दी थी, तो अब उसके बाद कहाँ कहाँ इस प्रकार का काम चालू हो गया तो सब लोग राशि दे रहे हैं। ये पूरे देश भर में अभी तो संपूर्ण विश्व के अंदर राम वह वातावरण बना हुआ है और उसी प्रकार से समाज में काम करते करते हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी अयोध्या में बनने जा रहा है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण से किसी भी प्रकार से जुड़ा रहूं। इसी प्रकार के भाव हमारे अभिन्न मित्र मेरे छोटे भाई शक्ति जी जाट, जिनका दूधिया में निवास है, इनके मन में भी इस प्रकार का एक उत्कृष्ट विचार मन में आया। भगवान श्री राम के प्रति इनके मन में भी भाव जागृत हुआ। इन्होंने इनके भाव मुझे बताए, ये बोले कि मुझे भी एक राशि भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए समर्पित करना है। उसके लिए किस प्रकार का वातावरण समाज में है, समाज के वातावरण के अनुकूल ये राशि हमें समाज के सारे लोगों की मौजूदगी में, मेरे मित्रों के, मेरे परिवारजनों के, मेरे पिताजी की उपस्थिति में ये राशि में भेंट करना चाहता हूँ। जब राम जी का काज है तो उस काज के लिए मना कौन करेगा। सब लोगों की इच्छा थी, प्रभु इच्छा थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान श्री राम जी ने हमारे शक्ति भैया को दिया है तो इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित किया है और सबकी इच्छा है कि हर व्यक्ति के कण कण से भव्य मंदिर का निर्माण हो और मंदिर के निर्माण की भूमिका इस प्रकार से हो, जब विश्व के मेहमान हमारे देश में आते थे तो सीधे ताजमहल देखने जाते थे। जिन्होंने ताजमहल बनाया आतताइयों ने उनके हाथ काट दिए, पर जो लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं ऐसे कारीगरों का ये सरकार हाथ काटेगी नहीं, उनके हाथों में सम्मान की राशि भेंट करेगी और उनके पैर पूछ करके उन्हें सम्मानित करेगी कि आपने इतना बड़ा विश्वव्यापी तीर्थ स्थल अयोध्या में बनवाया, उसके लिए वो लोग सम्मानित होने वाले हैं, ना कि किसी के हाथ काटे जाएंगे, उन हाथों को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार के भाव हमारे मन में है और उसी भाव को प्रकट करने के लिए आज हमारे शक्ति जी के द्वारा इस प्रकार का अनूठा प्रयास किया गया और 1,11,111 रुपए की राशि संघ परिवार के लोगों को समर्पित की, जिसमें हमारे इंदौर के लोकप्रिय सांसद जी, इंदौर के लोकप्रिय विधायक महेंद्र हाडिया जी, सारे लोगों की पावन उपस्थिति में यह राशि भेंट की गई। जय श्री राम, जय जय सिया राम, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आपका नाम? केदारनाथ योगी। आप हिंदी कॉलेज की व्यवस्था हमने की है, उसके लिए आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चलाया है, उसका लाभ ले, उसके बाद हम आपको प्रमाण पत्र ठहरा के देंगे, गरीब रेखा का कार्ड ठहरा के देंगे, राशन कार्ड घर में के बनेगा, पेंशन घर में मिलेगी और आपके खाते में सीधा पैसा आ जाएगा। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, सीधा लाभ मिलेगा, ये पैसा भी कौन नहीं खा सकता। सीधा सब योजना का लाभ आपको दिलाने के लिए हमने अभियान के हंगामे का जो योजना अभिनव योजना शुरू की है और उसके बाद पूरे प्रदेश में करेंगे, इसलिए आप सब उसका लाभ लें। मैं एक बार बोले आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत। पवित्र नगरी हंडिया में आयोजित किया गया, इसमें माननीय मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी भी उपस्थित हुए, समाज में कई सारी मांगे समाप्त कर दी है और माननीय मंत्री जी ने भी अपनी ओर से धर्मशाला निर्माण के लिए जो अड़चने आ रही है उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है और निर्माण कार्य के लिए राशि लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। हम सब ये भली बात जानते हैं कि हमारा केवट मछुआरा समाज
जो कि वर्षों से अति पिछड़े समाज की श्रेणी में है, इसे अच्छी शिक्षा मिले, इनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो और ये अपने परंपरागत व्यवसाय के अलावा भी अन्य व्यवसाय की ओर मुड़े। बच्चों के शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि नर्मदा के किनारे आप सब लोगों की आजीविका का प्रबंधन है, लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से बच्चों को रोजगार के अवसर मिले और समाज आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो आवश्यक होगा वो कराया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सभी लोग बधाई हैं, मैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इतना सहज सरल अगर नेता आपको मिल सकते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी के गांव में आज जीवन भागवत सभा का, भजेरी पुराण का आयोजन है, वहां भी उनको पहुंचना है। खंडिया हो या नेमावर, अभी इनका परसों ही जन्मदिन था, अपन आज मानो कि आज इनका जन्मदिन है। अरे रुक जा, पूरे जोरदार ताली बजाकर आशीष को जो जन्मदिन की बधाई होगी है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो और हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहे और कमल खिलाते रहे और जनता की जीवन भर सेवा करते रहे। बोलो नर्मदे हर और जिंदगी। प्रमाण पत्र लेकर दाखिल जाति प्रमाण पत्र में आपको पिछले वर्ष बच्चों की स्कॉलरशिप की सुविधा मिल जाए, नौकरी की सुविधा मिल जाए, सारी सुविधा मिले। अगर हमारी माँ कल्याणी हो गई है, उनके 35 वर्ष बाद हो गए तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी। अगर 60 साल से ऊपर हो गए तो पेंशन मिलेगी। अगर घर में कोई भगवान ना करे लेकिन कोई दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग पेंशन मिलेगी। कच्चा मकान है तो पक्का प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे। सारे सर्वे घर घर हो रहा है, आपसे भी निवेदन है कि आप अपनी यादगार घर में सबको दें। पंचायत के सचिव, सहायक, पटवारी, इलाकेदार स्वागत करे माननीय कमल कटेल और आशीष जी हमारे कन्नौज क्षेत्र के हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए आपने आज जाट परिवार की ओर से 11,11,000 रुपए का दिया है, क्या इसके बारे में बताया? मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 की समर्पण राशि भेंट की गई है और इसकी प्रेरणा पिताजी से हमें मिली कि मंदिर निर्माण में समर्पण राशि देना चाहिए। किन को आगे समर्पण पर करी है आपने? माननीय सांसद जी ललवानी जी, भाटिया जी और पवन जी तिवारी के नेतृत्व में समर्पण राशि भेंट की गई है। शक्ति सिंह जाट, रूडिया।